आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। नमस्कार मेरे गीक साथियों, मैं हूं लोकनाथ। आपका टेकबॉक्स हिंदी चैनल में आने के लिए धन्यवाद। लेकर आ गया हूं एक ऐसा गैजेट जो आपको सीधे भारतीय सिनेमा के उस स्वर्णिम दौर में ले जाएगा, जहां एक बार फिर आप गुनगुना उठेंगे 70 व 80 के दशक के उन सदाबहार नगमों को, जो बने ही थे भारतीय संगीत के इतिहास में एक अनंत व अमिट छाप छोड़ने के लिए ही। हम बात कर रहे हैं कारवा व कारवा मिनी की। तो आइए दोस्तों जानते हैं 2017 के इस धूप में भी 70 व 80 के दशक के संगीतमय शीतल छाओं की याद दिलाने वाले इन गैजेट्स की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक टेकबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर लाते हैं लेटेस्ट टेक गैजेट्स की अनबॉक्सिंग और उसका इनडेप्थ रिव्यू, वो भी नेवर सीन बिफोर क्वालिटी के साथ। शुरू करते हैं कारवा व कारवा मिनी के पैकेजिंग से। तो दोस्तों ये दोनों ही डिवाइस काफी खूबसूरत व प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आ जाती है, जिसमें हमें डेटा केबल, डिवाइस चार्जर और साथ में यूजर मैनुअल मिल जाता है। अब आते हैं कारवा के बिल्ड क्वालिटी पर। तो दोस्तों प्लास्टिक और मेटल का इतना बेहतरीन संगम हमें कुछ कम ही गैजेट्स में देखने को मिलती है। कारवा के एंटायर बॉडी पर इतना उम्दा प्लास्टिक की फिनिशिंग की गई है कि एट अ ग्लांस पता लगाना मुश्किल है कि ये प्लास्टिक है या फिर वुड, जिस पर बड़ा सा चंकी मेटल नॉब ऑफ कोर्स इस पूरे गैजेट्स के एस्थेटिक्स पर एक चार चांद है। दरअसल इस पूरे डिवाइस को 70 के क्लासिक रेडियो पीस के रूप में ही कंपनी ने ढाला है, जो कि शर्त या बाय अपीयरेंस किसी एंटीक से कम नहीं लगता। वहीं कारवा मिनी तुलनात्मक रूप से मॉडर्न एस्थेटिक से प्रेरित है। कारवा मिनी का बाहरी ढांचा रबरी टेक्सचर्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, जबकि ग्रिलिंग मेटल की दी गई है, जिस पर सदाबहार चिर अमर संगीत के दिग्गजों की प्रिंटिंग वाकई इस गैजेट को मार्केट में उपलब्ध अन्य गैजेट्स की तुलना में एक अलग ही मुकाम से नवाजती है। अब आते हैं कारवा की बहुआयामीय क्षमता यानी मल्टीफंक्शनल कैपेबिलिटीज पर। आरडी बर्मन, कैफे आजमी, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, आनंद बख्शी जैसे कुल 23 संगीत के जगत के महानतम धुरंधरों के टॉप 5000 लीजेंडरी गाने, वो भी लीजेंडरी एंकर आमीन सयानी की जुबानी, गीतमाला की पूरी कहानी बसी हुई है इस डिवाइस में। साथ ही श्रोता अपनी पसंद के अन्य गानों को ब्लूटूथ के जरिए इस डिवाइस में जोड़ भी सकते हैं। एक और फीचर जो इस गैजेट में देखने को मिल जाती है वो है यूएसबी पेनड्राइव के थ्रू म्यूजिक प्लेबैक करने की इस डिवाइस की क्षमता। डिवाइस में एक और जहां सारेगामा यूएसबी कनेक्शन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बटन मिल जाती है, वहीं हवा में तैरते मधुरतम तरंगों यानी कि रेडियो का आनंद लेने की सुविधा भी इस डिवाइस में दी गई है, जिसका बटन भी इनमें शुमार है। डिवाइस की दूसरी तरफ हमें एक ओल्ड स्कूल वॉल्यूम रॉकर और एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जिसे बड़ी ही आसानी से एम्पलीफायर से कनेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको इस एपिसोड में दिखाए गए किसी भी प्रोडक्ट में है दिलचस्पी या आप चाहते हैं प्रोडक्ट का करंट रेट पता करना, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। कारवा में संगीत को मुख्यतः 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिस्ट, जिसमें आप अपने पसंद के 23 महानतम संगीतकारों में से किसी भी संगीतकार के संगीत का आनंद ले पाएंगे। मूड्स, जिसके अंतर्गत आप अपने तात्कालिक मूड के अनुसार संगीत का चयन कर पाएंगे। और साथ ही गीतमाला, जिसमें आमीन सयानी की जादुई आवाज के साथ पूरे गीतमाला का एपिसोड इसमें शामिल किया गया है। कारवा का बड़ा सा चंकी नॉब, जो इस पूरे गैजेट का मुख्य आकर्षण बिंदु है, वास्तव में एक सिलेक्शन डायल है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ संगीतकारों को चुन यूएसबी पेन ड्राइव में फोल्डर बदलने आदि मल्टीफंक्शनल रोल्स को निभाता है। वहीं सिलेक्शन डायल के नीचे उपस्थित स्किप बटन गानों को स्किप करने या फिर ऑटोमेटिक रेडियो के स्टेशंस को बदलने में काम आता है। डिवाइस के ऊपर पावर बटन और खूबसूरत प्रोडक्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। कारवा के पीछे यूएसबी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट और एक डिवाइस रीसेट बटन दिया गया है।
कारवा के विपरीत कारवा मिनी अपने डिजाइन में ही नहीं बल्कि अधिकतर आयामों में अपने प्रीडेसेसर कारवा से है काफी जुदा। कारवा का डिजाइन जहां 70 के दशक के रेडियो से इंस्पायर्ड है, वहीं कारवा मिनी अपने मॉडर्न लुक के साथ यूथ ऑडियंस को टारगेट करेगा। 251 सॉन्ग्स के साथ प्रीलोडेड व ब्लूटूथ यूएसबी से इक्विप्ड ये स्पीकर रेडियो सुनाने की सुविधा से रह जाता है वंचित, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लेकर आया। स्पीकर के साइड में ब्लूटूथ यूएसबी व सारेगामा सॉन्ग बटन देखने को मिल जाता है। डिवाइस के ऊपर पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ट्रैक चेंज बटन, प्ले एंड पॉज बटन दिया गया है। डिवाइस के बैक पर चार्जिंग पोर्ट, ऑक्सिलरी इन पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और डिवाइस रीसेट बटन देखा जा सकता है। कारवा जहां अपने नए श्रोता के हाथों में थोड़ा क्लिष्ट यानी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अपनी यूजिबिलिटी के कॉम्प्लिकेशन के चलते बेहद सरल व कम बटन्स के साथ कारवा मिनी यूजिबिलिटी में है बेहद ही आसान। जहां तक इन दोनों ही डिवाइस के साउंड क्वालिटी का सवाल है, तो दोस्तों कारवा में 3-3 वॉट के दो स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि बेस ओरिएंटेड नहीं बल्कि वोकल ओरिएंटेड साउंड पर फोकस्ड हैं। वहीं कारवा मिनी में 5 वॉट का एक सिंगल स्पीकर मिल जाता है जो कि अगेन ट्रिबल ओरिएंटेड स्पीकर है। आइए अब आप खुद ही सुन लीजिए इन स्पीकर्स का एक छोटा सा साउंड टेस्ट। Away, but can you drive me out of your mind? The more you move away, you get it closer every time. Main chalta hai jo dil tera, jaane ja phir kyun sharma hai? Zara nazaron se keh do, nishana chook na jaye. Zara nazaron se keh do, deewana root na jaye. मिलाकर 3 विभिन्न रंगों ब्लू, मैरून और व्हाइट में आने वाला कारवा मुख्यतः 2 मॉडल्स में आ जाता है जो कि एक रिमोट के साथ और एक विदाउट रिमोट है। वहीं कारवा मिनी केवल 2 ही रंगों में उपलब्ध है, रेड एंड ब्लू। कुल मिलाकर 5,990 रुपीज में 1 साल तक ऑन साइट वारंटी के साथ आने वाला कारवा और 2,289 रुपीज में 6 महीने की वारंटी के साथ आने वाला कारवा मिनी हमें थोड़ा महंगा लगा। संक्षेप में, अगर कंपनी भविष्य में कारवा के मैन्युवरेबिलिटी को ईज अप कर पाई और एक कॉम्पिटेटिव पॉइंट पर इसे मार्केट में लॉन्च कर पाई, तो विदाउट अ डाउट ये गैजेट मार्केट में उपलब्ध कुछ श्रेष्ठतम गैजेट्स में अपनी एक मुकाम बना ही लेगा। दोस्तों, इसी के साथ हमें आशा है कि आपको हमारा ये एपिसोड आ गया है पसंद, और अगर आप इसी तरह हमसे आगे भी नए नए गैजेट्स का इनडेप्थ रिव्यू करवाते रहना चाहते हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही अगर आपके हैं कोई सवाल या यूं ही करना चाहते हैं कुछ गपशप, तो प्लीज हमें वीडियो के नीचे कर दीजिए कमेंट, और हमारा रहेगा आपसे एक वादा हमेशा की तरह कि हम हर कमेंट का देंगे जवाब जल्द से जल्द। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, एक नए एपिसोड में एक नए गैजेट के साथ फिर होती है मुलाकात। तब तक रखिए अपना और अपने गैजेट का ख्याल। हैप्पी गैजेटिंग।